हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस किचन। चलिए कुछ आज ऐसा बनाते हैं जो थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा सा अलग भी हो, जिसका टेस्ट भी वाओ हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो। और थोड़ा सा अलग तो टेस्ट होना ही चाहिए। नहीं समझ आया? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज कोरमा। इसके लिए आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करके दो हरी इलायची, करी पत्ता और रफली चॉप्ड अनियन डाल दीजिए। अब इसमें डालिए थोड़ी सी दालचीनी और सौंफ। आप चाहें तो सौंफ पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम रफली चॉप्ड जिंजर, अदरक और लहसुन। अब इसको हिलाएंगे और फिर इसमें डालेंगे आधा कप फ्रेश कोकोनट, जिसको कि हमने छिलके जिसके उतार लिए। अब इसमें 1/3 कप काजू डाल देंगे। आप चाहें तो टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं। दो साबुत हरी मिर्च, ये हरी मिर्च मेरे ही किचन गार्डन की है, आप चाहें तो इसकी डंडियां उतार सकते हैं। इसके बाद एक चॉप टोमेटो, और इसको 2 मिनट हिलाकर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम अपनी सब्जियां तैयार करेंगे। एक वॉक में तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे करी पत्ता और थोड़ी सी कटी हुई फ्रेंच बीन, थोड़े से मटर और फिर पनीर के टुकड़े, जिनको हमने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ना कितना आसान है ये बनाना। थोड़ी सी फूल गोभी, गाजर और एक आलू कटा हुआ, लेकिन इसका टेस्ट इतना अलग आता है कि हम लगता है कुछ अलग ही चीज खा रहे हैं। और मशरूम, जिनको हमने पहले से ही ब्लांच कर लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और इसको हिला लेंगे। कैप्सिकम को हम सबसे बाद में डालेंगे क्योंकि सबसे कम टाइम लेती है पकने में। अब हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर सब्जियों को पकने देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमारी सब्जियां पक चुकी हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी कलरफुल लग रही हैं। अब हमने जो ग्रेवी तैयार की थी उसकी हमने प्यूरी कर ली है और इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको 2 मिनट तक हम पका लेंगे और डालेंगे इसमें आधा चम्मच गरम मसाला। अब जो रही सही कसर थी फ्लेवर की, वो भी पूरी हो जाएगी। और अब हमारी सब्जियां, हमारा वेज कोरमा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको गार्निश कर लीजिए कोरिएंडर लीव्स के साथ। नहीं भी करेंगे तब भी ये उतना ही सुंदर और उतना ही कलरफुल दिख रहा है। कितना न्यूट्रिशियस है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां हैं और इतना कलरफुल कि बच्चे भी इसको जरूर पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंजॉय।